अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक आप लोगों की दुआओं के साथ। तो जी, आयज़ा की दुनिया में आप सबका वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आ रही हूँ आगे आगे IVF के हवाले से। बहुत से लोग हैं जो कि IVF के बारे में इतनी ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है उन्हें, बट वही बात है ना, वो सुनी सुनाई बातों पर अमल कर लेते हैं और उसी तरह से मतलब के अपने माइंड को सेट कर लेते हैं कि हाँ जी। बहुत से लोग कहते हैं कि ये जायज़ है, बहुत से लोग कहते हैं कि ये नाजायज़ तरीका है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना IVF एक्सपीरियंस, अपना वो कहते हैं ना लाइफ का IVF एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि इससे ये है कि बहुत से लोगों को इंफॉर्मेशन में और बहुत सी लोगों की मालूमात में इजाफा होगा। और वो कहते हैं ना कि हर इंसान कोई हम हर इंसान बिल्कुल मुकम्मल नहीं होता, इसी तरह से ये IVF का भी जो इशू है वो इसी तरह है, नामुकम्मल इंसान को मुकम्मल करने का। तो बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो जो मेरी वीडियो वॉच करें, मोस्टली प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में मोस्टली बताइएगा कि क्या आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक के हवाले से या नहीं। क्योंकि मुझे पर्सनली लगा कि मुझे अपना IVF एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि बहुत से लोगों की बहुत सी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, और जो जो मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे मोस्टली याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।